मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। खाना गरम करेंगे, खाना बनाएंगे, लेकर भी जा सकते हैं, दोनों मेरे फेवरेट है। लेकिन इसमें मैं हमेशा सॉल्ट डालती हूँ। फ्रेंड्स ये रियल हॉट केस है। एक चॉपिंग बोर्ड ना बार्बी डॉल का किचन सेट आपको दिखाऊंगी। ये दोनों खाने वाला स्पून है, मम्मी और मैंने खुद बनाया है। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हो ना, वो आप परचेज कर सकते हो। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग परी। मैं हूँ परी। मेरे ना बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे रिक्वेस्ट करे थे कि परी तुम्हारे ना सारे प्लास्टिक के किचन सेट दिखाओ ना। लेकिन इस बार से मैं अपना किचन सेट नहीं दिखा रही हूँ। हेलो, हाँ मेरे डॉल्स के भी किचन सेट दिखाऊंगी इस बार, क्योंकि वो भी तो प्लास्टिक से बने हैं। तो मैं आज मेरे दोनों प्लास्टिक के किचन सेट आपको दिखाऊंगी। जो मैं और मेरी मम्मी ने बनाया है ना, वो वाला किचन सेट भी दिखाऊंगी। सारे टाइप्स के दिखाऊंगी जो मेरे पास है, मेरे प्लास्टिक वाला का। सो फ्रेंड्स चलो स्टार्ट करते हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि किससे शुरू करेंगे। इससे शुरू करते हैं, ये मेरा फर्स्ट किचन सेट है। सो फ्रेंड्स ये एक केटल है, इससे हम लोग चाय देंगे एक कप जी को। और एक कप जी है ना, हाय बोल दो। हाय गाइस। हाँ ये हाय बोल दिया। ये लोग पता नहीं कुछ बोलते ही नहीं है। सो ये कप है और ये, हाँ हाँ ये फेवरेट चीज है, ये जूस स्प्राइट वो सब पीने के लिए है। और ये भी एक क्यूट सा कप है, ये बनाना है और ये एप्पल है। और ये एक बास्केट है, ये मेरा बहुत पुराना बास्केट है जो मेरे बलांगिर में था। मैं जब भी शॉपिंग करने जाती हूँ ना तो फिर इसको ही लेकर जाती हूँ। और ये, हाँ गैस स्टोव, ये तो मेन है ना, तो फिर ये गैस स्टोव है, इस पे हम चाय गरम करेंगे, खाना गरम करेंगे, खाना बनाएंगे ही। हाँ और इसमें बारी आई। सो फ्रेंड्स ये है एक कढ़ाई। इसमें भी हम राइस वो सब बना सकते हैं, सब्जी। और ये वाला मेरा फेवरेट कैप है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है ये दोनों कैप, क्योंकि इसमें पिज्जा बर्गर आइसक्रीम यमी यमी होता है। और ये है एक पैन, इस पे हम लोग डोसा वो सब बनाएंगे। और ये है प्रेशर कुकर, ये है प्रेशर कुकर। और ये है पिंक कलर का प्लेट, ये है पर्पल कलर का प्लेट। ओह मेरा फेवरेट प्लेट भी है ये, मेरा फेवरेट प्लेट है क्योंकि इसमें रोज डिजाइन है और इस पे मेरा फेवरेट कलर भी है, मुझे ऐसे कलर बहुत पसंद है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स ये फोक है मैगी वो चाउमिन वो सब खाने के लिए। ये है खाना बनाने के लिए एक स्पून। और ये वो पकोड़े या फिर कुछ ऑयली चीज बनाने के लिए या फिर राइस बनाने के लिए भी है ये। और ये भी वो सेम है। और ये हाँ लस्सी बनाने के लिए जो होता है ना, ऐसे ऐसे करते हैं उसको ऐसे, तो फिर लस्सी को मिक्स करते हैं। और ये भी सेम इसके जैसे, ये दोनों सेम ही है जुड़वा, लेकिन कलर अलग है साइज भी। और फ्रेंड्स ये लाइटर है, हाँ ऑन की गैस लाइटर, इससे आवाज भी आता है लाइटर जैसे ऑन करने का। आग जल गई, आग जल गई स्टोव पे। चलो अभी इस मेन में आते हैं। सो फ्रेंड्स ये है एक वाटर फिल्टर, अगर कहीं हम कैंपिंग करने जाएंगे ना तो फिर इसको लेकर भी जा सकते हैं। इधर ऐसे दबाने से पानी निकलता है, मैं थोड़ा पानी पी लूँ क्या। ठीक है, ज्यादा ज्यादा पानी पीने से ना हमारा बॉडी हाइड्रेटेड होता है, इसलिए फ्रेंड्स आप भी ज्यादा ज्यादा पानी पीना। और फ्रेंड्स ये दो बास्केट्स हैं, इस पे मैं, ये मेरे डॉल्स के हैं और मेरे भी, इस पे हम लोग फ्रूट वेजिटेबल्स कुछ भी रख सकते हैं। इसमें मैं फ्रूट्स रखती हूँ और इस पे मैं वेजिटेबल्स। ये केटल है मोटू सा क्यूट सा, ये भी गर्म होता है, ये दोनों जुड़वा है बस साइज।
अलग है और शेप, और ना ये दोनों केटल्स ही हैं। मेरा जो एक टी पार्टी वीडियो बनाई थी ना, उस पे ये मैंने चाय बनाने के लिए यूज की थी। और इसका कैप तो खुलता नहीं है क्योंकि इसका लगा हुआ है, लेकिन इसका कैप जरूर खुलता है। दोनों मेरे फेवरेट है। ये है इंडक्शन, इस पर हम लोग पानी गर्म कर सकते हैं, दूध गर्म कर सकते हैं और चाय भी बना सकते हैं। इस पे ना मम्मी दूध गर्म करते हैं। अरे इसमें नहीं, हमारा इंडक्शन जो मम्मी के किचन में है। मैं अपने किचन में ना अपने डॉल्स के लिए खाना बनाती हूँ और मम्मी अपने किचन में हमारे लिए खाना बनाते हैं, मेरे लिए और आदि के लिए स्पेशली, क्योंकि हम दोनों उनके डॉल्स हैं। और ये जो इंडक्शन है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। सो फ्रेंड्स, ये बाउल है, 1 2 3 4, फोर बाउल्स हैं और ये फोर प्लेट्स। यानी कि ये देखिए, एक ली मैं बाउल, इसमें डाली, सिंपल सिंपल डिंपल। और फ्रेंड्स, ये वो जो सॉल्ट भी इसके अंदर हम या फिर मसाला कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें मैं हमेशा सॉल्ट डालती हूँ और वो भी कलरफुल वाला, आवाज भी आता है। ओ, ये मेरा फेवरेट है। ये है, ये भी सेम है इनके जैसे, इनके जैसे ये भी सेम है, बस थोड़ा छोटू है। मैं तो सबसे छोटा हूँ। सो फ्रेंड्स, ये खाने का स्पून है और ये फोर्क। ये है पैन, इस पे हम लोग खाना बनाएंगे और जैसे डोसा रोटी वो सब। और ये भी एक कुकर है, कढ़ाई। और ये है एक ट्रे, इसमें मैं अपने डॉल्स को खिलाती हूँ राइस दाल सब्जी। इसमें अगर स्पेस होता तो फिर मैं कर्ड भी डाल देती, इसलिए मैं एक बाउल में कर्ड देती हूँ। कर्ड ना पेट को ठंडा करता है, बहुत ठंडा भी है। और फ्रेंड्स, ये भी एक खाने के लिए एक स्पून है और ये चाकू, खच 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 चाकू। और ये भी वो बनाने का एक स्पून है, ऐसे वाला, लेकिन ये बहुत लंबा है, लंबड़ू सा। और ये खाने के लिए स्पून, और ये जो पटाटो होता है ना, या फिर कुछ भी वेजिटेबल को हम पील करने के लिए इसको यूज करते हैं। और ये वो जो रोटी बनाते हैं ना, उसके लिए ऐसे पकड़ने के लिए होता है। अरे कहाँ गया रोटी, अभी तो रोटी है नहीं। और ये वो अगर मैं ऑमलेट बनाऊंगी तो फिर उसको मिक्स करने के लिए, जो एग डालने के बाद ऐसे मिक्स करते हैं ना, ये हम यूज करते हैं। ये खाने के लिए फोक। और ये सेम कितने सारे ऐसे वाले हैं, लेकिन अलग अलग हैं। चलो अभी नेक्स्ट मेन, ये। सो फ्रेंड्स, ये है एक हॉट केस, इसको मैं खोल कर दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ये रियल हॉट केस है, इस पे हम लोग अगर रियल का रोटी भी रख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर स्टील का एक बाउल है। और फ्रेंड्स, ये ऐसे दिया है ताकि ये टाइट रहे, वरना अगर ऐसे रखेंगे ऐसे होने से ये खुल जाएगा, इसलिए ऐसे ऐसे करने से ये लॉक हो जाता है, खुल रहा ही नहीं। चलो, और ये है मेरा फेवरेट ग्राइंडर, भी करता है ये ना, मतलब राउंड राउंड ऐसे घूमता भी है, इसमें प्रेस करने से अगर इस पे सोल डालती हूँ ना, पूरा उड़ता है सोल। और ये मेरा फेवरेट प्लेट, रोजी। और ये है एक चॉपिंग बोर्ड और ये है चाकू। और ये जग है जिस पे मैं पानी या फिर जूस दे सकती हूँ। ओ कब्जी, आइए प्लीज पानी। अरे मेरे पास तो एक फिल्टर है और एक जग है। और ये भी है एक कुकर, उसमें मैं राइस बनाती हूँ। ये राइस है, खाली नहीं हुआ है। और फ्रेंड्स, ये है एक सॉस पैन। और ये हाँ, अगर पिज्जा आएगा ना, पिज्जा पिज्जा ऐसे लेंगे और खाएंगे गबा गब।
इसको हम लोग वो पिज्जा लेने के लिए यूज करते हैं। और ये भी वो सेम है खाना बनाने का, एक स्पून। और ये भी एक वो डोसा वो सब को ऐसे टर्न करने के लिए इसको यूज करता है। और अब आया मेरा फेवरेट मेन, ये मैं अभी अपना बार्बी डॉल का किचन सेट आपको दिखाऊंगी। अरे छोटू ग्लास गिर गया, रखना भी मुश्किल होता है। हाँ मम्मी ने कैसे रखा है पता नहीं। तो फ्रेंड्स ये ना मैं मेरे डॉल की किचन में होता है, ये झाड़ू है और ये वो लेने के लिए होता है ना, डस्टबिन डस्टबिन। और फ्रेंड्स ये ना वो अगर जैम लेते हैं इससे और ब्रेड में स्प्रेड करते हैं या फिर कुछ भी यूटेंसिल्स भी देते हैं। और फ्रेंड्स ये ना दो फोक है खाने के लिए, ये वो खाना बनाने के लिए एक स्पून, ये भी वो एक स्पून। अरे मेरे डॉल के पास भी ऐसा वाला स्पून है। और ये खाने के लिए एक स्पून, इसको हम ना इधर से हैंगिंग कर सकते हैं या फिर इधर होल है छोटा छोटा उससे भी हैंग कर सकते हैं। और ये एक क्यूट सा केटल, ये इधर से है खुला ही। और ये हाँ ये केक स्लाइस है या फिर पिज्जा स्लाइस, लेकिन ये ऐसे है मतलब ये केक स्लाइस है एक प्लेट में। चलो खाते हैं, यम यम यम। ये डॉल को दूंगी मैं उसके बर्थडे पार्टी में, अभी पिंकी का बर्थडे पार्टी आ रहा है। और ये भी है एक क्यूट सा केटल, इस पे हम लोग जूस वो सब रखते हैं। और इस पे चाय दूध, एक जूस पीने के लिए एक ग्लास है। और ये खाना बनाने के लिए एक कुकर, ये भी एक कढ़ाई है। सो फ्रेंड्स ये है एक पैन वो खाना बनाने के लिए। और ये है दूध या फिर कुछ पीने के लिए एक कप, जो इसमें ना पिंकी पीती है छोटी बच्ची दूध। तो चलो नेक्स्ट किचन सेट पे चलते हैं। सो फ्रेंड्स ये भी मेरे बार्बी डॉल का एक किचन सेट है, दो दो किचन सेट है उसके पास। ये दोनों खाने वाला स्पून है, ये ना वो खाना बनाने वाला स्पून है, और ये भी खाना बनाने का स्पून है। और ये ना दो ग्लासेस है पानी पेप्सी वो सब पीने के लिए। और ये रहा पेप्सी, ये देखो पेप्सी दे रही हूँ, चीयर्स करते हैं। और ये प्लेट्स हैं। और ये है एक सॉस पैन। और ये एक प्रेशर कुकर है, क्यूट सा प्रेशर कुकर, ये खुलता नहीं है। और ये एक डस्टबिन है, इस पे हम कचरा डालेंगे। और ये है एक ओवन, ओवन इस पे ऑलरेडी खाना रेडी हो रहा है। हाँ और ये है खाना सर्व करने का प्लेट, इसमें मैं खाना सर्व करूंगी होटेल्स में। और ये वो बाल्टी है पोछा लगाने के लिए बाल्टी। और हाँ ये जो देख रहे हो ना, ये इतना इतना मम्मी और मैंने खुद बनाया है। ये जो क्ले वाले देख रहे हो ना, ये मम्मी और मैंने खुद बनाए थे। उस टाइम मम्मी मुझे सिखा रहे थे कैसे बनाते हैं पेंसिल लेकर और क्ले। और हाँ फ्रेंड्स आप वो फोटो तो देखे होंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन देखना जरूर कि मम्मी और मैंने ऐसे जो कप बनाए थे प्लेट के साथ। और ये जो ग्लू का कैप होता है ना, ये हमने यूज कर लिया है उसके लिए। ये हमने कार्डबोर्ड से बनाया है, ये एक चॉपिंग बोर्ड। और ये वो जो मेडिसिन का कैप्स होता है ना, ये जो मेडिसिन का कैप्स है, हाँ उसको हम लोग कलर कर लिए कुछ कुछ, और कुछ कुछ ऐसे ही रखे हैं डिजाइन है उसमें जो। और ये है हमने एक पैन बनाए थे वो मेडिसिन का कैप से या फिर वो अमूल दूध का एक कैप से, क्योंकि इसमें लिखा ही है। और ये हम डिटर्जेंट पे आया था, ये हमने उस पर यूज किया है। और ये हमने प्लास्टिक से एक डब्बा लिया है, ऐसे हमने कर लिया है। और ये है ना ये खाना है ये। और हाँ वो जो लिप बाम का डब्बा होता है ना, उस पर हमने ये पिन डाल दिया है। और उसका लेबल हटा कर ये इसको हमने एक हॉट केस बना दिया। Awesome! So friends, आप देख रहे हो ना, हम लोग घर पे भी क्ले या फिर कुछ भी लेकर हम लोग किचन सेट बना सकते हैं। हम लोग हमको जिद्दी नहीं करना चाहिए कि मम्मी मुझे ये चाहिए, ये टॉय चाहिए, वो टॉय चाहिए। हम लोग घर पे भी बना सकते हैं ऐसे।
हमको तो गेम से मतलब है ना, ऐसे टॉयज से थोड़ी ना। और फ्रेंड्स आपने ऐसी किचन सेट अपने घर में पक्का ट्राई करना बनाने की। Just do it. ओके और फ्रेंड्स ये जो जो भी किचन सेट अभी आप देख रहे हो ना, वो सारे किचन सेट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी। आप उस पर क्लिक करके जो भी किचन सेट आपको अच्छा लगेगा वो आप परचेज कर सकते हो। या फिर आप ऐसे किचन सेट घर में भी बना सकते हो। ओके ट्राई जरूर करना। ये सारे किचन सेट में से मुझे ना मेरा ये वाला किचन सेट बहुत अच्छा लग रहा है। जो कार्डबोर्ड और क्ले से बना है, क्योंकि ये हमने हमारे हाथों से बनाया था मम्मी और मैंने, और इसका आज वीडियो बन रहा है। फ्रेंड्स आपको आज के ये किचन सेट वीडियो कैसे लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल बटन। बाय, लेट्स एंड द वीडियो। गेम ओवर।